الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم। आज की तरावी में पढ़े जाने वाली सूरत सूरतुल अंबिया और सूरतुल हश्र थी। अल्हम्दुलिल्लाह 17 पारे मुकम्मल हुए। सूरतुल अंबिया इसलिए नाम इस सूरत का रखा गया क्योंकि इस सूरत में तकरीबन 17 अंबिया का अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया है। नबी की जमाए अंबिया, नबी उसको कहते हैं जो अल्लाह के पैगाम को लेकर दुनिया में चले फिरें और जिस पर अल्लाह की तरफ से वही का नुज़ूल हो। शुरू आयत में अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब बात इरशाद फरमाई जो दिल को दहला देने वाली है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि लोगों के हिसाब का दिन करीब होता जा रहा है, हाल ये है कि लोग गफलत में पड़े हुए हैं। और बेशक सूरत हाल इसी तरह पर है कि हम रोज़ बरोज़ अपने कब्र के करीब, हश्र के करीब, क़यामत के करीब, जन्नत और जहन्नम के करीब होते चले जा रहे हैं। जिस वक्त मैं तालिब इल्म था तो मुझे एक हदीस उस वक्त याद हुई थी, मिशकात शरीफ की एक तवील हदीस थी और बड़ी अजीब हदीस थी, उसके अल्फाज भी बड़े अजीब थे। तो पढ़ाई के ज़माने में वो हदीस मुझे अजबर पूरी हदीस याद हुई, मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी ये बात इरशाद फरमाई कि अस्सनतु कश्शहर वश्शहरु कल उस्बू वल उस्बू कल यौम वल्यौम कस्सा वस्सा कद्दकीका। ये हुजूर फरमा रहे हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा, इतना तेज़ी से दिन आगे बढ़ेगा कि पूरा साल ऐसा गुजरेगा जैसे महीना गुजर जाता है, और पूरा महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरता है, और पूरा हफ्ता एक दिन की तरह गुजर जाएगा, और एक दिन घंटे की तरह और घंटा मिनट और सेकंड की तरह चला जाए। और हकीकत में ऐसा ही हो रहा है कि हम बच्चे थे, बच्चे से जवान हुए, जवाने से बुढ़ापे की तरफ चले जा रहे हैं। हमारी उम्रें कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ गई, अगर हम सोचें तो सोच भी नहीं पाएंगे, और हम करीब होते जा रहे हैं अपनी कब्र के। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब किताब का दिन करीब आता जा रहा है लेकिन लोग गफलत में पड़े हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम इसी मकसद को समझाने के लिए आया करते थे। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद को समझाया तो उस ज़माने के काफिर और मुशरिक कहने लगे कि ये समझाने वाला तो हम जैसा है, कह रहे ये अपने आप को नबी कह रहे हैं, ये तो बशर है, इंसान है हमारे जैसे, हम पकड़े तो पकड़ सकते हैं, छुए तो छू सकते हैं, बात करते हमारे जैसे, खाते हैं पीते हमारे जैसे। उनका ये कहना था कि नबी तो एक अनोखी शख्सियत होनी चाहिए जो बिल्कुल अजीब हो, अगर नबी अनोखा होता तो फिर ये दावा होता कि ये तो अनोखा है, इसकी पैरवी हम कैसे कर सकते। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान में जो नबी भेजा वह हम जैसा भेजा, हाँ सिफात के एतबार से, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, तकवे के एतबार से, हर एतबार से सबसे आला, लेकिन दिखने में हमारे जैसे। तो काफिरों के इस अजीब गरीब बात का तस्करा भी इस कलाम में, इस पारे में, इस सूरत में हुआ कि ये कह रहे कि हमारे जैसे हैं, अरे आपके जैसे होंगे तो नमूना बन सकेंगे। और आगे ये भी समझाया गया कि देखो एक गलत अकीदा लोगों में चल पड़ा है कि अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है,
अल्लाह ताला कह रहे हैं लौका नफीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि एक अल्लाह के अलावा अगर दूसरा कोई खुदा होता तो निज़ाम कायनात दरहम बरहम होता। अकलन भी हम सोचें कि एक मुल्क का एक ही पीएम हो सकता है, एक सूबे का एक ही सीएम हो सकता है, अगर दो पीएम हो जाए तो निज़ाम हुकूमत ख़राब हो जाए, दोनों की राय में इख्तिलाफ हो जाए। अल्लाह पाक इसी को समझा रहे हैं कि मेरे अलावा कोई रब नहीं, अगर होता तो पूरा निज़ाम ख़त्म होता, ख़राब होता। एक की मंशा ये होती कि सूरज निकले, दूसरे की मंशा होती कि सूरज ना निकले। तो अल्लाह ताला ने इसको भी समझाया और ये भी समझाया कि देखो इल्म के एतबार से हर ज़माने में लोग ऊंच नीच होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं। अगर इल्म में आप कम हैं तो जो आपसे ज़्यादा अहले इल्म है उनके पास जाओ, उनसे रुजू करो, पूछो। फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर शरीयत के किसी भी मसले में किसी भी जगह पर आपको उलझन हो जाए तो अपने उस उलझन के इजाले के लिए अहले इल्म की तरफ रुजू करो। काफिरीन और मुशरिकीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाकर कह रहे थे कि ये तो अपनी दावत लेकर चल जाएंगे, एक दिन आएगा ख़त्म हो जाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरत में ये भी समझाया कि कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये काफिर कह रहे हैं तो याद रखो कि ये खुद भी मरने वाले हैं, मौत से किसी को छुटकारा नहीं, हर एक के पीछे मौत दौड़ रही है, वो भाग रहा है ये दौड़ रही है। तो ये खुशियाँ मनाएंगे, ये भी खुद मरकर चले जाएंगे। और याद रखिए कि इस जगह पर एक मसला ये भी बड़ा आम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई न कुरान में न हदीस में है। हाँ अलबत्ता हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के खुतबे में ये बात मिलती है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए तो सारे सहाबा पर दीवानगी का आलम है, मजनूनाना कैफियत है। तो उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर ने खुतबा दिया, वो खुतबा सबके दिल के लिए हल्का बनने का सबब हुआ, सुकून का जरिया बना। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि मन कान याबुद मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन कान याबुदुल्लाह फइन्न अल्लाह हय्युन ला यमूत। आपने सारे सहाबा को जोड़कर मदीने नबी में फरमाया कि नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, जो नबी की परस्तिश करता था याद रखे कि नबी दुनिया से जा चुके, जो अल्लाह की पूजा करता है, जो अल्लाह को अपना रब मानता है याद रखे कि अल्लाह हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। सहाबा को इत्मीनान हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन यह मसला भी अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा अहम है कि आप दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अपनी कब्र मुबारक में हयात हैं, जिंदा हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह के नबी अपने कब्र मुबारक में जिंदा हैं। अब सवाल होगा कि जिंदगी कैसी, तो ये जिंदगी इस जैसी नहीं, वहाँ की जिंदगी बरज़खी जिंदगी, उसका इल्म सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी को नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया अल अंबिया फी कुबूरिहिम हय्युन युसल्लून व युरज़कून, कि सारे अंबिया अपनी कब्रों में हयात हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उन्हें रिस्क अता फरमाते हैं। हम यहां से अपने नबी पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। हदीस पाक में आता है कि बंदे के नाम के साथ, वालिद के नाम के साथ, खानदान के साथ नबी की कब्र पर हमारा दरूद सलाम पेश किया जाता है। और जब हम मस्जिद नबवी पर रोजे अकदस पर हाजिर होकर सलात व सलाम पेश करते हैं, अल्लाह के नबी बराह रास सुनते हैं। बड़ा मशहूर वाक्य है, बहुत तवील वाक्य, इशारा करता चलो कि एक अल्लाह के एक बहुत बड़े वली थे जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी, अल्लामा बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अल्लाह के नबी की शान में लंबा कसीदा लिखा।
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذكر جيران بذي الكرم. بہت طویل بڑا قصیدہ. اب وہ قصیدہ لکھ کر اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور عقیدت میں جھوم جھوم کر وہ قصیدہ پڑھیں, اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کریں. یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور مختلف کتابوں میں اس کا حوالہ آپ کو ملے گا. جب آپ نے یہ قصیدہ پورے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا تو لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ایک چادر عنایت فرمائی, اس چادر کے وجہ سے اس قصیدے کا نام پڑا قصیدہ بردہ. بردہ کے معنی آتے ہیں چادر کے, اور حقیقت میں چادر عنایت فرمائی. تو یہ تو عقیدت و محبت کی بات ہے. بعض اللہ والے نبی کے روضے پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں, جواب آتا ہے سنتے تھے. اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, یہ الگ موضوع ہے. ہمیں یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو عقیدت و محبت کی بات ہے. عاشق و معشوق را رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیس. جب عاشق و معشوق میں محبت ہو جاتی ہے تو کیا باتیں ہوتی ہیں یہ سالس کو پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں بھی اپنے نبی کی سچی عقیدت و محبت پیدا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.